हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनू कुमार मिश्रा एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है एंड आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का 24 डेज पूरा हो चुका है। सो बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे कि आज की मेरी क्या अपडेट है, लाइक मेरी क्या कंडीशन है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है इस वीडियो की कि क्या होता है फॉलिकल एंड क्या होता है ग्राफ्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोज बनाने के लिए। मुझसे आपको पर्सनली बात करना हो तो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ जाकर मुझसे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूजर आईडी शो कर रही होगी। देखो, मेरी जो पहले कंडीशन थी वो ये थी जो आपके इस वीडियो क्लिप में दिख रहा है एंड आज की जो मेरी कंडीशन है, आपको डोनर या फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ से मैं तीनों तरफ से दिखा रहा हूँ जो मेरी ये कंडीशन आज की फोटोज है, जिससे आपको बहुत अच्छे से पता लग सकता है कि मेरी कंडीशन क्या है। नहीं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आपको बताना है कि आज की मेरी क्या कंडीशन है आपके अकॉर्डिंग। सो बेसिकली बात करें हम फॉलिकल की, तो फॉलिकल मतलब क्या, फॉलिकल क्या होता है? सो फॉलिकल होता है एक, फॉलिकल मतलब आपका एक बाल। एंड ग्राफ्ट क्या होता है? तो ग्राफ्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बंच ऑफ फॉलिकल, अर्थात एक ग्राफ्ट में एक फॉलिकल भी होता है, दो फॉलिकल भी होता है, तीन फॉलिकल भी होता है। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से मैं आपको डिफाइन करके बताऊं तो एक ग्राफ्ट में एक फॉलिकल वाले ग्राफ्ट भी होते हैं, दो फॉलिकल वाले ग्राफ्ट भी होते हैं, तीन फॉलिकल वाले भी ग्राफ्ट होते हैं। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, तो ज़्यादा आपको समझाने के लिए आप ये फोटोज देखो, इसमें बहुत अच्छे से आपको पता लग रहा होगा एक ग्राफ्ट वाला, एक फॉलिकल वाला ग्राफ्ट भी है इसमें, दो फॉलिकल वाला ग्राफ्ट भी है इसमें, तीन फॉलिकल वाला ग्राफ्ट भी है इसमें एंड कभी कभी कुछ जिसकी काफ़ी अच्छी डेंसिटी थी वहाँ पर चार फॉलिकल भी होता है। अब देखो, सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि जो हमारे लाइक जो ग्राफ्ट और जो ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, तो जो फ्रंट एरिया में ग्राफ्ट लगाए जाते हैं हमारे, वो लगाए जाते हैं एक फॉलिकल वाले एंड उसके बाद जो पीछे लगाए जाते हैं वो दो तीन वाले जो है ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। सो ये था ग्राफ्ट एंड फॉलिकल एंड ये आपको एक पूरा बंच दिख रहा होगा जो ग्राफ्ट का, इस तरह से जो है सारे मेरे ही, मतलब अपना ही मेरे खुद का सर के हिस्सा का था जो मैंने फोटो आपको नहीं दिखाई थी। अब बेसिकली बात करें कि आपको जो है ग्राफ्ट एंड फॉलिकल इन दोनों में से किसके पैसे पे करना चाहिए। देखो, इंडिया में 98% क्लिनिक ऐसे हैं जो ग्राफ्ट के पैसे लेते हैं, 2% या फिर 1% क्लिनिक ऐसे हैं जो फॉलिकल के पैसे लेते हैं। आपको किस चीज़ के पैसे पे करने, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा अपना मानना है तो आपको ग्राफ्ट के पैसे पे करना चाहिए। एंड ओवरऑल बात करें तो मान लो जैसे मेरे 3500 ग्राफ्ट लगाए गए हैं तो मेरे जो है 7000 बाल इम्प्लांट किए गए हैं मेरे स्कैल्प के ऊपर, अर्थात जो एवरेज इंडिया में है वो ये है कि एक ग्राफ्ट मतलब दो बाल, सीधी सी बात है। तो आपको जो है ग्राफ्ट के पैसे पे करना चाहिए। ग्राफ्ट के पैसे पे करने से आपका ये होता है कि आपका जो बजट है वो सस्ते में ही निपट जाता है, जहाँ पर आप फॉलिकल के जो है पैसे पे करते हो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महंगा पड़ सकता है। अंतर कुछ नहीं होता, बस एक क्लिनिक का अंतर है और कुछ कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत चीज़ें ईजी है। एंड मैं हमेशा से कहता हूँ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, डरने की नहीं, चीज़ों को समझो एंड उसके बाद फिर आप डिसाइड लो। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।